नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में डॉक्टर प्रियंका सोनी। आप लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, प्रशासन का सहयोग करें। अब नजर डालते हैं खबरों पर। विगत दिनों जनपद अंबेडकर नगर की जैतपुर थाना क्षेत्र और जनपद आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र से संबंधित जहरीली शराब से कुछ लोगों की मृत्यु के उपरांत जनपद आजमगढ़ के थाना पवई की पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कल 14 मई को 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जहरीली शराब से संबंधित सामग्री बरामद की गई थी। थाना पवई और थाना दीदारगंज क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब से हुई मृत्यु की घटना से संबंधित एक अभियुक्त से पूछताछ के बाद जानकारी हुई कि इस पूरे रैकेट के अवैध शराब बनाने के संबंध दो गोदाम मित्तुपुर बाजार में है। आज 15 मई को अभियुक्त अजय यादव की निशानदेही पर गोदामों का ताला तोड़कर छापेमारी की गई तो वहां पर अवैध शराब पैक करने की लाखों की संख्या में सीसी बोतलें, बैग पाइपर, मैकडॉवल बियर, पावर हाउस, विंटेज ब्रांड के लाखों से ऊपर बोतलों पर लगाने वाले रैपर, ढक्कन व पेपर सील बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने के तरल पदार्थ व दो केन में बनी हुई शराब भी बरामद हुई है। ऐसा अनुमान है कि अवैध शराब बनाने वाले इस सामान से विभिन्न ब्रांडों के लगभग 50,000 से अधिक नकली सीसी बोतलें बनाई जा सकती थी। इसके अतिरिक्त वहां पर भारी संख्या में खाली ड्रम भी बरामद हुए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि इन ड्रमों में आए हुए तरल पदार्थों से अवैध शराब बनाकर बेची जा चुकी थी। अभियुक्त से पूछताछ पर यह बात भी प्रकाश में आई है कि जनपद अंबेडकर नगर एवं जनपद आजमगढ़ में यह गिरोह अवैध शराब की बॉटलिंग कर लाइसेंसी शराब के ठेकों पर सप्लाई किया करता था तथा इससे इनके द्वारा भारी मुनाफा अर्जित किया जाता था। बरामदगी के संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस गैंग के मुख्य सरगना मोतीलाल गुप्ता को रिमांड पर लेकर उसे पूछताछ की जाएगी ताकि इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो सके। आपको बता दें कि इस घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के विरुद्ध NSA व गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा इनकी अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट से अंतर्गत जब्त भी किया जाएगा। इस बाबत मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने, सुनवाते हैं आपको। देखिए, जो हाल में जो कुछ मौतें अंबेडकर नगर में और आजमगढ़ में हुई थी, इससे संबंधित लगातार कार्रवाई चल रही है और कल भी 4 लोग यहां से जेल भेजे गए थे, जिसमें हमारे थाने का एक कांस्टेबल भी था जिसकी संलिप्तता इसमें पाई गई थी। इस संबंध में मेरे द्वारा कुछ अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया था। उससे इन्हीं से संबंधित एक अभियुक्त से पूछताछ के दौरान ये पता चला कि यहाँ पर ये जो मोतीलाल एंड कंपनी जो जेल में है, ये पूरी का पूरा रैकेट यहाँ पर चलाती थी, अवैध शराब में बनाती थी और उसके बाद बॉटलिंग करके इन्हें यहाँ से लाइसेंसी जो ठेका है उसकी आड़ में बेचा करते थे। एक आश्चर्य की बात यह है, ठेका तो लाइसेंसी है लेकिन यहाँ जो रैपर मिले हैं, जो उनके ढक्कन मिले हैं, वो अंग्रेजी शराब के भी मिले हैं। इवन जो बियर है उसकी बॉटल्स भी यहाँ पर मिली हैं। तो सब तरह की शराब बनाने का धंधा ये क्या करते थे। इनके कुछ और साथियों का नाम पता है जो कि जिनका संबंध पड़ोस के जनपदों से है, उनके बारे में जानकारी की जा रही है और बहुत जल्दी ये पूरा का पूरा रैकेट निस्तबूत किया जाएगा, उन्हें पकड़ा जाएगा, उनकी कमर तोड़ी जाएगी। इसके अलावा इनके खिलाफ NSA और गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और बाद में इनकी संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ बिल्कुल, इसी से रिलेटेड है क्योंकि ये पूरा रैकेट वही है और ये सप्लाई करता है, तो इनके द्वारा सप्लाई की गई जो शराब है उसी से मौतें हुई। देखिए, वो जो ठेका इनका था यहाँ पर हमारे जनपद में, जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा वो ठेका निलंबित कर दिया गया है और जो अंबेडकर नगर जो ठेका है उसके संबंध में वहाँ के जिलाधिकारी को लिखा जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। जी, इसमें 4 हमने कल करके भेजी है, एक अभियुक्त जिससे निजी निजाई भी ये अभी है और कुछ और लोगों की गिरफ्तारी अभी होनी शेष है। देखिए, इसकी जांच की जा रही है कि आबकारी विभाग की मिलीभगत है या नहीं है। जो संबंधित लोग थे वो सस्पेंड किए जा चुके हैं और विवेचना के दौरान यदि कोई किसी संलिप्तता इसमें पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उसे भी जेल भेजा जाए। देखिए, पूरी उपलब्धि हमारे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में हुई है, सीओलालगंज, उनकी SOG टीम, पूरा SO दीदारगंज और SO पवई, इन सब ने मिलकर करके है। उनके लिए मैंने 25,000 रुपये जो मेरी लिमिट है उतने का पुरस्कार में घोषित किया।